वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टीएस राहुल ब्लॉग्स। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आरजेबीवी यूनिवर्सिटी, जो कि भोपाल की शान कहा जाता है और ये काफ़ी अच्छा यूनिवर्सिटी माना जाता है। इसका रैंक है जो फोर्थ रैंक पे आता है ये एमपी में, और ये भोपाल में स्थित है, लोकेट है। अगर आप मेरा रेगुलर व्यूअर होंगे तो आपको पता ही होगा कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड बहुत सारे यूनिवर्सिटी का रिव्यू मैंने इस चैनल पर किया है, तो यूनिवर्सिटी का भी रिव्यू करने जा रहे हैं। तो चलिए इसे शुरू किया जाए और यहाँ पर क्या क्या वहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड करवाए जाते हैं, कौन कौन से कोर्स होते हैं, एडमिशन आप लीजिएगा यहाँ पे कैसे, उसके बाद यहाँ पे इवेंट का तो मेरा प्रोग्राम रहता ही है कि इवेंट जो भी करवाया जाता है, और आने जाने के लिए यहाँ पे बसेस चलती है। तो ये सारी चीज़ों का हम है जो एक ही वीडियो में आपको पूरा बताएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करते हैं कि आरजेबी यूनिवर्सिटी एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे बहुत सारे टेक्निकल कोर्स करवाए जाते हैं, जिसमें कंप्यूटर साइंस, आईटी डिपार्टमेंट, ये सारे कोर्स हैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड। उसके बाद कहा जाए तो यहाँ पे कनेक्टिविटी की, मतलब आने या जाने का, यहाँ पे आएंगे कैसे, तो भोपाल से आप भोपाल जंक्शन उतरिएगा तो आपको वहाँ से 11 किलोमीटर दूर पड़ेगा, और अगर एयरपोर्ट से आइएगा तो राजा भोज, जो कि भोपाल का एयरपोर्ट है, आप वहाँ से उतर के आप 5 किलोमीटर वहाँ से दूरी पड़ती है। और एक और स्टेशन है रानी कमलापति, आजकल बहुत उसका नाम सुने होंगे, जिसका नाम पहले हबीबगंज था, अब चेंज होके रानी कमलापति हो गया। तो उससे 17 किलोमीटर के आसपास या अप्रोक्स पड़ेगा। तो ये है कनेक्टिविटी आने जाने का जो है। इसके बाद फिर यहाँ पे एडमिशन का प्रक्रिया है जो जेई मेंस के थ्रू होता है, और उसका भी हम इस वीडियो में रैंक बताएंगे कि कितना किसके लिए सीट और रिज़र्व रहता है। और ये यूनिवर्सिटी तो काफ़ी बेहतर ही है। तो चलिए अब हमको कंप्यूटर पे चल के सारी डिटेल्स में हम आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, इंस्टीट्यूट का नाम तो आपको पता ही होगा, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। कैंपस एरिया है जो 214 एकड़ में फैला हुआ है। ये इंस्टीट्यूट टाइप गवर्नमेंट है। एस्टेब्लिश की बात की जाए तो 1986 में एस्टेब्लिश हुआ था, काफ़ी पुराना है ये यूनिवर्सिटी। लोकेशन भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और यहाँ पे कोर्सेज का आप देख सकते हैं, ये इंजीनियरिंग का कोर्स बताया जा रहा है, इसमें दिखाया जा रहा है जैसे कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे यहाँ पे आपको सीट्स मिल जाएंगे कि इतना कितने सीट अवेलेबल हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 120 सीट रिजर्व रहती है। यहाँ पे एडमिशन लेने का प्रक्रिया यही है, आपको जेई मेंस के थ्रू आपको आना पड़ेगा, और एडमिशन लेने का एक बेसिक रैंक वहाँ पर डिसाइड किया जाता है। और आप है जो DTE MP काउंसलिंग के थ्रू भी एडमिशन यहाँ पर ले सकते हैं। और ये है आपका कुछ चार्ट, आपको पॉज करके आपको देख लेना है कि रैंक है जो कितने रैंक के अंतर्गत में आइएगा तो आपका कौन सा डिपार्टमेंट मिल सकता है। ये है एमपी के लिए, और ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए ये है जो कि बाहर के स्टेट से यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं जो स्टूडेंट, वो उसका है जो ये है। उसके बाद चलिए कनेक्टिविटी की बात तो हम इस वीडियो में आगे कर चुके हैं, तो आप वहाँ पर सुन ही चुके होंगे। जैसे राजा भोज एयरपोर्ट 5 किलोमीटर, भोपाल जंक्शन से 11 किलोमीटर 5, और रानी कमलापति के आस अप्रोक्स है जो 15 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। अलग अलग रूट से अलग अलग किलोमीटर बताता है। उसके बाद आगे चलने के बाद फ़ी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, यहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा नहीं लिया जा रहा है पर सेमेस्टर। हॉस्टल का भी देखिए किराया बहुत ही कम है, मतलब 2400 के आसपास है हॉस्टल। वन टाइम फ़ी 35, ट्यूशन फ़ी पर ईयर है जो आपको 22,300 रुपया देना पड़ेगा। बसेस चार्ज इसमें इंक्लूड है 7200, और अदर्स फी भी यहाँ पे इंक्लूड है। प्लेसमेंट की बात की जाए तो दोस्तों प्लेसमेंट के लिए ही है सारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है, आपको पता ही होगा। पढ़ाई इसीलिए कर रहे हैं कि ताकि कहीं बढ़िया कंपनी में हमें जॉब लग जाए, प्लेस हो जाए हम। तो देखिए यहाँ पे इन्फोसिस, बड़ी बायजूज, रिलायंस जियो से जियो मतलब एक भी नहीं गया है। तो इस तरीका का इन्फोसिस 31 स्टूडेंट यहाँ पर प्लेस्ड हुए हैं, तो इस तरीका का देख सकते हैं चार्ट। सिस्को से भी यहाँ पर स्टूडेंट गए हैं, आप IBM से भी यहाँ पे गए हैं स्टूडेंट, तो प्लेसमेंट ठीक है। और जैसा कि आप है जो वहाँ वीडियो में भी बताया जा रहा था स्टूडेंट से बात करने के बाद भी, कि वहाँ पे बताएं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रैक्टिकल करवाया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे प्लेसमेंट हो जाता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे प्लेसमेंट रेशियो बताया गया है, 2021 में 308 बच्चे, 2020 में 220 और 2019 में 224। इस तरीके का आपको प्लेसमेंट रेशियो दिखाया गया कि आप देख सकते हैं, चार्ट को पढ़ सकते हैं कितना एवरेज पैकेज, हाईएस्ट पैकेज जो भी है, वो अच्छा लगता है ये सब बातों को समझने में, तो समझ सकते हैं जो भी देखना है। उसके बाद आगे चलते हैं, आपको इनसाइड कैंपस भी, क्लासरूम और कंटीन, ये सब जो लाइब्रेरी, गेम, स्पोर्ट्स, ये सब सारे हैं, इंटरनेट फैसिलिटी, मेडिकल, यहाँ सारे इनसाइड कैंपस में आपको मिल जाएंगे। IT इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही है, तो ये है जो पूरा आपको इस सारे चीज़ यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे।
यहाँ पे पॉन्ट्स और कॉन्स की भी बात की गई है, जो कि यहाँ पे लेस फीस है, मतलब फीक बहुत कम है, एवरेज पैकेज इज़ नॉट ऑसम, तो इस तरीके का यहाँ पे लिखा हुआ है। ग्रेट लोकेशन है, भोपाल के में ही है ये, तो भोपाल एक अच्छा जगह पे है, पैलेस भी माना जाता है, तो इस जगह इसलिए है जो ये आरजेबी अच्छा यूनिवर्सिटी को इसमें रिकमेंड किया जाता है। प्रोवाइड करवाए बस का जो फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है, कौन से भी यहाँ पे बताए गए हैं, जो भी आपको देखना है यहाँ पे देख सकते हैं पॉज करके वीडियो को, क्योंकि हम है जो ये हो पूरा हो गया, आप चलते हैं कैंपस टूर के लिए, देख लीजिए उसके बाद भी ये जल्दी से आप है जो वीडियो लॉन्ग नहीं करना चाह रहे हैं, और अब उसके बाद आप देख लीजिए इवेंट का। दोस्तों उसके बाद है जो अब हम आपको दिखाएंगे इस यूनिवर्सिटी में हॉस्टल का थोड़ा सा व्यू हम दिखाना चाहेंगे, ताकि यहाँ पे आपको पता चल जाए, तो इसलिए आप है जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला वीडियो भी देखिएगा, ताकि आपको सारी बातें उसमें दिख जाए, सारी बातें पता चल जाए हॉस्टल से रिलेटेड, कैंपस से रिलेटेड। हालांकि मैं छोटा छोटा जो भी वीडियो का पार्ट है जो इसमें डालूंगा। अच्छा लगता है यहाँ पे आके, मैनेट के बाद भोपाल में सबसे अच्छा कॉलेज यही है, इनफैक्ट पूरे मध्य प्रदेश में ये सेकंड नंबर का कॉलेज है, एंड आई फील प्रीटी लकी है। एक इंजीनियर की लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, वो हमारे कॉलेज में बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि हमारे पास में लैब्स बहुत अच्छी है, हमारे पास में अपॉर्चुनिटी मिली है यहाँ पढ़ने की, सो आई फील गुड अबाउट इट। प्लेसमेंट्स अच्छे हैं, TCS एंड पिछली बार Amazon, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज भी आती हैं, पिछली बार Flipkart से भी गया था यहाँ पे।
ये था पूरा ओवरऑल यूनिवर्सिटी रिव्यू वीडियोज़। और आपको ये वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप मध्य प्रदेश से रिलेटेड कौन सा यूनिवर्सिटी का वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं आगे कमेंट में हमें भी बताइए ताकि सजेशन मिले हमें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।